ज्ञान गुण सागर जय बहु अस्त्र प्रचंड होता जा रहा है प्रभु सहायता करे हनुमान अब कोई दुविधा नहीं जो तुम्हें रोक सके जाओ वानरों की रक्षा करो जो आज्ञा प्रभु मुझे किसी भी प्रकार बहु अस्त्र के प्रभाव से हमारी वानर सेना को रक्षित करना होगा। वानर और वनवासी आज कुछ भी कर लो तुम परंतु रावण के शौर्य का सामना नहीं कर पाओगे तुम। अपने संपूर्ण बल समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर लो रावण परंतु अब तुम्हारे रूप में अधर्म की पराजय अत्यंत समीप है तुम्हारे प्रत्येक अस्त्र का उचित प्रत्युत्तर प्राप्त होगा तुम्हें इसके पूर्व कि महाराज सुग्रीव और अन्य सैनिकों को कोई क्षति पहुंचाए मुझे इसका मार्ग परिवर्तित करना होगा मुक्ति कपीश दुविधा से पाई बहु अस्त्रा से सब को बचाई नव ऊर्जा दी कपि नव आशा धर्म योद्धा शक्ति संचारा संकट नित नए आवे भाई धर्म पथिक पर जाने उपाई जुट गए दो कपि रघुनाथा अब अधर्म को निकट विनाशा महाबली हनुमान की महाबली हनुमान की मित्र पुनः मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं सर्वप्रथम इस महाअस्त्र को स्थायी रूप से रोकने का उपाय ढूंढना होगा मुझे इसके पूर्व की आकाश मार्ग से आने वाला अज्ञात संकट और कठिनाई प्रस्तुत कर दे Ha 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 ha
हो गए तुम बनवासी, चलो मेरे इस बार से तुम्हें मृत्यु के रूप में चिर शांति प्राप्त होगे। इस युद्ध में मेरी नहीं अधर्म की मृत्यु निश्चित है रावण। लंकेश रावण ने वर्षा रूपी राक्षसों की वर्षा करवाई है। हनुमान, साधारण उल्काएं नहीं है ये। ये विंधुनमाली और उग्रदृष्टा में अपनी सेना के साथ ये यदि भूमि पर पहुंच गए तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर इन्हें समाप्त करना असंभव हो जाएगा। अर्थात मुझे इनमें से एक को भी धरती का स्पर्श नहीं करने देना है। कैसे भूल गया था मैं, उचित समय पर आए हैं ये सब। अब मेरा बहुअस्त्र आकाश से आए हुए असुर तुम्हारा अंत करेंगे तो छवानार, और वनवासी तुम्हारा वध करने का अपार सुख तो लंकेश रावण को ही प्राप्त होगा। बहुअस्त्रभयकारी दूजे उल्का सुर नभचारी, किंतु हर विपदा की युक्ति जान कपीश की अद्भुत बुद्धि। भ्राता उग्रदृष्टम, ये तो लंकेश रावण का बहुअस्त्र हमारी ओर बढ़ता प्रतीत होता है। हाँ भ्राता, इसका नाश नहीं हो सकता, शीघ्र बच जाओ। इन सब समस्याओं की जड़ ये तुच्छ वानर है। जब तक ये वानर जीवित रहेगा,
मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ सोनवासी से युद्ध कर ही नहीं पाऊंगा। संकट मोचन हनुमान के होते मुझे सेना की कोई चिंता नहीं है। अब मैं एकाग्रता से रावण से युद्ध कर सकता हूं। तुच्छ वानर को व्यस्त रखेगा, इस अंतराल में मैं इस वनवासी को अंत कर दूंगा। तुमने सदैव राक्षसों को सताया है, परंतु आज हम तुम्हें प्रताड़ित करेंगे और लंकेश रावण को विजय बनाने में उनकी सहायता करेंगे। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, सहायता तो अवश्य करोगे तुम सब रावण की, किंतु उसके विजय के लिए नहीं, उसके पराजय के लिए। आज माता की सुरक्षा नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझे आहत नहीं कर पाएंगे वनवासी। अपने इस भ्रम को मिटा दो। वानर, हट जाओ हमारे मार्ग से, अन्यथा हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। राम काज में मेरु पर्वत के समान अड़िग है हनुमान। अपने प्रभु के कार्य में कोई भी संकट आए, परंतु मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। विंधुन माली है हम, महानतम से महानतम योद्धाओं को पीछे हटाना आता है हमें। मेरे दृष्टि अस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस दुष्ट वानर पर। इस प्रकार तो ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हाँ भ्राता विंदुन माली, इसलिए सर्वप्रथम अपनी योजना अनुसार लंका की पृथ्वी पर उतरना चाहिए, फिर इसका संहार करेंगे हम। सर्वप्रथम उतरो, फिर संहार करो। सर्वप्रथम उतरो, फिर संहार करो।
ये दुष्ट राक्षस क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? सर्पटम उतरो, फिर संहार करो। इन्हें धरती का स्पर्श नहीं करने दे सकता मैं। नवीन दुविधा उत्पन्न हो गई। इन असुरों को रोकना भी आवश्यक है और बहुआस्त्र का मार्ग परिवर्तित करना भी। अब क्या करूं मैं? वनवासी, तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना पर महासंकट छाया हुआ है। शीघ्र ही मेरा बहुआस्त्र और मेरे ये असुर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब तक हनुमान है वहां, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। रावण, यदि ये राक्षस लंका की पृथ्वी तक पहुंचने में सफल हो गए तो अजय हो जाएंगे, और यदि वो बहुअस्त्र वहां तक पहुंच गया तो संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। उसकी शक्ति में भी वृद्धि हुई है। कोई तो उपाय अवश्य ढूंढना होगा जिससे दोनों ही मायावी हमारे मार्ग से मिट जाएं। मैंने तुमसे कहा था ना रावण, जब तक हनुमान वहां पर हैं, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म के मार्ग में कोई भी बाधा अधिक देर तक नहीं टिकती। उसे कोई निरस्त नहीं कर सकता। इस समय इनका पीछा करने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए मुझे। यदि ये लौट कर आए तब इनका कोई उपाय करूंगा, परंतु अभी इस बहुअस्त्र को नष्ट करने की कोई युक्ति सोचनी होगी। राता उग्रदृष्टम, अच्छा हुआ आज हम उचित समय पर वहां से निकल गए, अन्यथा वो वानर आज हमें भी नष्ट भ्रष्ट कर देता। हाँ भ्राता बिंदुमाली, लंका के पृथ्वी पर अपने पांव टिकाने के पूर्व ही इस वानर ने हमें यमलोक भेज दिया होता। उचित समय पर इसका प्रतिशोध लेंगे हम। अब समय आ गया है इस अक्षय अस्त्र का कोई उपाय करने का। मैं बहुअस्त्र हूं। बहुअस्त्र अर्थात धन्वंतरी जी के अमृत से निर्मित है ये। मैं धन्वंतरी देव की अमृत की शक्ति से निर्मित बहुअस्त्र अपने लक्ष्य को समाप्त कर देता हूँ, किंतु मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। मुझे इस अस्त्र को क्षीर सागर ले जाना होगा।
ये क्या कर रहे हैं हनुमान? जब ये मात्र एक छोटा सा बाण था तब विभीषण जी ने इसे रोकने का प्रयास किया और आहत हुए, और अब जब ये पूर्ण रूप धारण कर चुका है तब हनुमान जी से कैसे रोकेंगे? हनुमान के मस्तिष्क में अवश्य ही कुछ उपाय होगा। जब तक वो राम काज में सफल नहीं हो जाते हनुमान प्रयत्नशील ही रहेंगे। हनुमान प्रभु, अब शीघ्र सारे अवरोध मिटाकर सभी शत्रुओं का नाश कर यहाँ आइए और ले जाइए अपनी सीता को यहाँ से। जिस देवी ने मेरे साथ वनवास पर आकर पूर्व में ही अनेकों कष्ट उठाए, उन्हें इस रावण ने अभी तक कष्ट में रखा है। मुझे किसी भी अवस्था में आज इस दुष्ट का अंत करना ही होगा।